बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पाकिस्तान ने 538 का टारगेट दे दिया, एक आउट कर दिया ऑस्ट्रेलिया का, और इसके साथ ही बाबर आजम ने 99 और सरफराज ने 81 किए हैं जी। और मैं अपने तबसन गार से बाकी बातें पूछता हूँ कि ये क्या सोचते हैं अजहर अली, आज ऑसम हाउ टू है वो ही चेक कर लेते हैं जी। सबसे पहले आप बताइए अजहर अली के बारे में क्या कहें। अजहर अली तो ऐसे उससे गपशप कर रहे हैं जैसे पता नहीं सदियों से दोनों पिछड़े हुए हैं और देख रहे हैं। और यार इस तरह तो कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट में भी ऐसे मौका आ जाए ना तो रोला डाल देते हैं भाई। मैं तो चौका समझ लिया, मैंने नहीं बताओ तो ये इन्होंने गली मोहल्ले वाला हिसाब किया। अस्तर शफीक भी वहाँ भी था और देख भी रहे हैं, बातें कर रहे हैं खड़े होकर, और दूसरा ना एम्पायर को दे रहे हैं वो चौका दे रहा है या नहीं दे रहा। अच्छा ये मैंने देखा है उसने ना आवाज भी दी है कि जल्दी करो जल्दी। हाँ कीपर कीपर हाँ देख भी रहा है कीपर, क्योंकि थोड़ा वो आ रहा है उसके अजहर अली को फिर भी यकीन हो रहा। उससे पूछ रहा यार आउट हो गया, अंपायर ने कहा भाई आउट हो गया, तू यहाँ क्या खड़ा कर रहा है, जा जाके अंदर हुआ दो। सारे सनी फनी सीन जो है ये पाकिस्तान टीम के साथ नहीं देखने का, कभी अजमल का वो जो आउट होता था सीधा बोल रहा हूँ लेता था तो भी आउट, वो जो आमिर तो भी आउट। आमिर वेस्ट इंडीज में वो यार शॉट मारी वो उसने छक्का रोक लिया, आमिर जाके दूसरे बैट्समैन से मिल रहा है भाई बड़ा प्यारा छक्का मारा, उसने बॉल पकड़ी अंदर आके बॉल फेंक दी है। ये दोनों मिडल में खड़े थे आमिर और कोई साथ बैट्समैन था विराट, तो वो भी रन आउट इस तरह ही हुआ था। लेकिन ये तो इससे भी बुरा हुआ है। नहीं ये तो चले वो तो बॉलर था, ये तो पूरा टॉप है, 70 टेस्ट मैच खेल लिए हैं, 60 से प्लस खेले, 70 नहीं 68 है, 68 नहीं दो कम है जी। सर कर दिया आपकी मेल मैन ने पहले कहा क्या प्लेयर है वो, हाँ प्लेयर है ऐसे ना किया करें। आपने स्क्रीनिंग देखी है, उसकी शॉट्स देखी है, टाइमिंग देखी है आपने इसकी, हाँ जी बोर्ड पे पांच लाइन जो है हर बैट्समैन को उसने मुश्किल में डाला, उसको छक्के डाले उसने आगे जी जी। आप ये जो है ना ये बाबर आजम ने आके टेस्ट मैच नहीं खेला, ये जब आया था इसके मेरे पास 3 छक्के और 1 चौका था, इसने टेस्ट मैच में इसने आके वनडे और एक और बात इसने ना अपने अपनी नेक्स्ट सीरीज उसने अपनी पकड़ कर ली है। ये नहीं समझ बैट्समैन परफॉर्म ना करे तो कहेंगे परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, परफॉर्म कर ले अगली सीरीज में जगह पकड़ लेंगे। पाकिस्तान के प्लेयर पाकिस्तान क्रिकेट में सबसे बड़ा मसला पता क्या है, 3 टाइम लड़का परफॉर्म करता है, एक जब वो डेब्यू करता है, एक जब वो उसे पता लगता है कि अब मैं निकलने वाला हूँ तब, और एक जब कम बैक करता है बस, बाकी नहीं वो परफॉर्म करता। अब उसे पता था ये मेरी आखिरी बारी है, ये मेरी आखिरी बारी पाकिस्तानी है, ये तो नहीं ना कम बैक करेगा तो स्कोर ऐसे भी होते हैं जो कम बैक करके नहीं आगे स्कोर करते। अब सरफराज को भी नजर आ रहा था ना मेरे अब मारने वाली है, मेरे जिस्म से पानी अपनी जगह T20 से ही बाहर कर दिया, शुक्र है बहुत शुक्र बहुत अच्छा किया। एक बंदा परफॉर्म भी कर रही कराची वाले तो वैसे मुल्क को ना डूब रहे जैसे दानिश का एरिया, एक बड़ा बड़ा फिक्सर मान भी गए शुक्र है मान लिया, ये बड़ा रोला डाल देते। अच्छा सर अच्छा ऊपर से बता क्या रहा है मेरे वाले साहब बीमार थे इस वजह से मैंने फिक्सिंग की। अच्छा वो राशि तो मानता ही नहीं था, कब तक कराची वाले नहीं फिक्सिंग करते, वो जब शकील खान और खालिद सिंह का केस हुआ उसने कितना मीडिया पर रोला डाला है, ये कराची के लड़कों को फसाया जा रहा है, कराची के लड़के ऐसे नहीं है, जितनी भी फिक्सिंग करते हैं ये सारे पंजाब के होते हैं, आप स्टेट उठा के देंगे तो यार भाई तुम इतने मतलब। अच्छा आप ही कराची का है ना, तासुर रखते हैं वैसे ना जितना मीडिया सारा कराची को, हम देखो लाहौर बाबर आजम लाहौर के हम उसको नहीं छोड़ते, नहीं हम तो सारी सच्ची बात कर रहे हैं ना, हमने क्या इसे वैसे इस गलत बात है, वो फिक्सर है कराची के भी बहुत बड़े फिक्सर है मामले, शजील ने भी की है, अब ये टीवी पे आ गए ना रोते हैं नहीं जी नहीं मैंने कुछ नहीं किया, हमें हिसाब दिलाया जाए, ये किया जाए वो किया जाए, जस्टिस से अपील, टीवी आ गए 5 साल बाद चीफ जस्टिस से अपील करते नैब को करप्शन वो करवाए ना इसकी इंक्वायरी और फिर उसको फांसी दे दी। सही बात नहीं, मैंने अपनी अपील मान ली है, आपको फांसी होती है अगर करप्शन की सजा यहाँ फांसी कर दी जाए, फिक्सिंग वाले करप्शन ही है,
करप्शन नहीं, आप देखे मुल्क का नाम जाया, मुल्क का नाम बदनाम कर। अब देखे आसफ आमिर से बड़ा बॉलर था, बड़ा था, उसको कराची वालों ने सपोर्ट किया आमिर को, तो वो आगे खेला। बट को बेचारे को उसने परसों शो किया, वो रेगुलर डोमेस्टिक में रन कर रहा है, वो डेली आके कहता है मीडिया पर मेरा क्या कसूर है, जो जो काम आमिर ने किया वही मैंने किया है, बस उसको नहीं लाना क्योंकि वो लाहौर है। नहीं आपने जुनैद खान को मार दिया आमिर की वजह से, जुनैद खान तो वाकई करी है ना, दिया था वो क्या नाम था उसका जिसने वो एशिया कप जिताया था, एजाज सिमा, वो भी अच्छा बॉलर था। उसके बाद गुल, जब ये इन पे तीनों पे बैन हुआ है, जितने मैचेस तो हैं गोल ने जितो हैं, अरे वो तो खैर कोई आज बस ये पिक्चर के ऊपर बड़ा दम। हां हां रिसील की शॉट देखी आपने? हां रिसील तो पहली बॉल पे आउट हो गया यार, उसने भी अपना वो नेथन लायन उस लोग ऐसे बॉल करा रहा है जैसे वो छोटा बच्चा नहीं होता, और वो भी बड़ा बच्चा होता है जो बॉल करा रहा है। अपने दो मैचों का स्कोर पहली बार में कर लिया हुआ था, उसको पता था मेरी जगह। अच्छा वैसे मैं ना ये समझता हूं हां इससे ही ना क्रिकेट में बड़े इतने पैसे लगा दिए उस बंदे को पानी का, नहीं नहीं उसको खिलाना चाहिए जितना पैसा उसने लगाया, लेकिन आज जो है ना 15 लाख की एक सर्जरी कराई है उसने, 3 सर्जरी कराई ना, लेकिन आज उसने बहुत ज्यादा जो है ना सारा उसको टैलेंटेड लैक ऑफ कंसंट्रेशन जिसे कहते हैं, बॉल से नजर आ रही है इतनी स्पिन हो रही है आगे बढ़ के शॉट खेल रहा स्ट्रेट। अच्छा बाबर आजम का नहीं देखा आपने 99 पे जब पहुंचा है, लो जी मेरे जेन में था कि मैंने कहा अगर ये सिंगल कर गया ना तो लो जी इसने भी आगे, वैसे बंदा वो सेंसिबल है वो इतना ना हसन अली वगैरह जैसा नहीं है, वो आया भी है रमीज राजा ने उसको बुलाया 99 पे आउट हो गया, तो रमीज राजा ने कहा 100 मिस हो गया क्या को? कहता है घर वालों से मेरी जिंदगी पढ़नी है, तो वो ना बंदा सेंसिबल है वो नहीं आने टाइम में आज मैंने 99 कर दिया जी, अब मैं देखा मेरे नाते दिन को जवाब दी है मैं वो कुछ करके तो दिखाई जिताई वो आमिर ने जिताई आप क्यों से मान रहे हैं, चलो ठीक है वो एशिया कप में वही तो कह रहा हूँ ना थोड़े से इनको आपके तबसर से तो मुझे यही लगता है टीम खाली कर कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, कंपैरिजन की वो भी हमारी टीम का हिस्सा है यानी कि पाकिस्तानी टीम का, और यानी कि अच्छा खेलते हैं, चले बस ठीक है कंपैरिजन बाबर आजम की गाल आई तो कहते हैं मैच कर खिलाड़ी है वो अच्छा है, चले मान लिया आज बहुत अच्छा याद रहेगा अगले 3 मैच तक न्यूजीलैंड वाले, पहले मैच में कुछ नहीं करेगा, पहले मैच में कुछ नहीं करेगा ना, इन्होंने यार 99 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो नेथन लाइन ही था, मैंने भी कभी नहीं कहा, मैं तो पिछले मैच में पिछले कल भी कहा मैंने कि वो सेलेक्ट कर ले तो ठीक है, उसकी जगह नहीं बन रही थी किसकी जगह पे एडजस्ट करेंगे, बाबर की जगह वो रोटेशन स्ट्राइक वाला बैट्समैन नहीं है, वो ब्लॉक करने वाला बैट्समैन आपके पास मिसवा से बड़ा बैट्समैन नहीं आया, मिसवा से ज्यादा ब्लॉक भी कोई नहीं कर सकता, ठीक है उन्होंने दो दो दिन ब्लॉक करके अफ्रीका को मैच बचाए हुए हैं, तो कल के मैच में क्या दो दिन ब्लॉक करने का एरन थे, लोग मिसवा को बुरा भला कहते थे कि इसके से दुबई में मैच दुबई में जीता है, भाई भी तो जीती है, नहीं नहीं ये वाले कहते जो सिकंदर बख्त वगैरह सिकंदर बख्त का अपना कौन सा इतना अच्छा कैरियर है, हाँ, वो तो दो तीन वो कह रहे थे मैंने ये बात उनके साथ बैठ के कमेंट्री करनी है, नहीं हाँ, भाई उठ के आ गए हाँ, तो क्या बात करनी है, चले खैर कल वाले मैच में आप क्या कहते हैं बॉक्सिंग कुछ कर लेगा कल के दिन में या परसों उठोगे, नहीं अगर कल के दिन में इन्होंने विकेट्स ले ली अर्ली विकेट्स ले ली
तो फिर पाकिस्तान के चांसेस आए नहीं, तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया ने जीत जाना। जी सर आप बताएं। आपने कल कहा था कि वो परफॉर्म नहीं करेगा, मैं गाना करेगा आपकी, तो मैं मानता हूं बाबर आजम ने भी परफॉर्म किया। बाकी ये स्कोर की जो है ना प्रेडिक्शन, ये ना मेरे से करवाया गया कितने स्कोर पे आउट हो गए, कितना स्कोर। जी सर आप बताएं कल जीते। कल जीतना तो चाहिए, लेकिन बात पता क्या है, वो अगर अब्बास आउट करेगा ना तो फिर याचे शाह करेगा। चल बंदी तो कोशिश है यार। नहीं नहीं यार, हमने पिछला मैच देखा ना, पिछले मैच में अब्बास से सेकंड इनिंग में आउट नहीं थे किए, तो याचे शाह से भी नहीं था, बिलाल आसिफ भी आउट, बिलाल आसिफ भी नहीं था हुआ, वो तो नया लड़का, उसको कुछ कह नहीं कल तो कल वैसे पिच भी है, वो दुबई वाली नहीं टर्न हो रही है। कल मेरे ख्याल से दो ही सेशन शायद ऑस्ट्रेलिया की टीम खेल पाए। नहीं, लेकिन चले कोई नहीं, हम देखते हैं जी कल। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह।